दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो नोटिसेबल चेंजेस शायद ही देखने मिले, लेकिन पिछले 2 महीनों में काफ़ी सारा काम हुआ है। हालांकि मॉनसून की वजह से वर्क स्पीड स्लो ही रहा है, पर अब एयरपोर्ट की सही शेप बनते नज़र आ रही है। एयरपोर्ट का नज़रिया अब देखते ही बनता है, एक तरफ हरे भरे पहाड़ तो दूसरी तरफ समुंदर। ऐसे बहुत ही खूबसूरत से लोकेशन पर स्थित है नवी मुंबई का ये डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बरसात के काले बादल अब जा चुके हैं और सफ़ेद बादलों के बीच घिरा हुआ ये एयरपोर्ट मुंबई का दूसरा कमर्शियल एयरपोर्ट होने वाला है। ये एयरपोर्ट मल्टीपल फेजेस में बन रहा है, जिसमें से अब फेज 1 और फेज 2 का काम चल रहा है। यहाँ हाल ही में एयरपोर्ट रनवे का DBOR कैलिब्रेशन किया गया, जो फ्लाइट लैंडिंग एंड टेक ऑफ के लिए बेहद ज़रूरी है। टेस्टिंग के दौरान यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड भी किए गए। रनवे और टैक्सीवे के बीच बन रहे कलवर्ट्स और ड्रेनेज सिस्टम का काम भी लगभग पूरा हो गया है, जो बारिश के पानी को सही से समुंदर तक ले जाएगा, जिससे रनवे 365 दिन ऑल वेदर में भी ऑपरेशनल रहेगा। एयरपोर्ट टर्मिनल की बात की जाए तो अभी फसाड पे ग्लास वर्क का काम चल रहा है, साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग के रूफ का काम भी जोरों पर है। टर्मिनल बिल्डिंग पे आने वाले दिनों में बोर्डिंग ब्रिज का निर्माण होगा, जिसके जरिए पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट में बोर्डिंग कर पाएंगे। बारिश के कारण एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों में ग्रीन ग्रास भी देखने मिल रहा है और आसपास के एरियाज भी काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। अटल सेतु से कनेक्टिविटी होने की वजह से यहाँ के प्रॉपर्टी रेट्स भी बढ़ रहे हैं। इस एयरपोर्ट का काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर तोड़कर पत्थर काट कर लैंड पार्सल फ्लैट किया गया है इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आने वाले समय में इस एयरपोर्ट की वजह से काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी और पूरा एरिया बहुत ही अच्छे से डेवलप होगा। एयरपोर्ट रनवे की कुल लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है और इसका पेंटिंग का काम भी पूरा हो गया है। एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल का काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार आने वाले 6 महीनों के भीतर ही इस एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेशनल हो जाएंगी। अब वो दिन दूर नहीं जब मुंबई के रहवासियों को विमान की सैर करने के लिए नवी मुंबई आना पड़ेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।